अब की बात मोदी को है जी। अच्छा राहुल गांधी को भी नहीं, राहुल गांधी हमारे लायक ही नहीं है, हमारे लायक मोदी है जो देश के साथ खड़ा है। राहुल गांधी का पप्पू रह गया का पप्पू है जी, पप्पू है कि नहीं पप्पू? भ्रष्टाचार युवा नहीं है वो, तो एक बस बच्चा है अभी। युवा तो युवा ही होता है जो देश की सीमा में खड़ा सुरक्षा के लिए हमारी। अच्छा राहुल अभी बच्चे ही है, आज बच्चे है। राहुल गांधी को वोट क्यों नहीं देना है? जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी हमारे जवानों के नाड़ कट के चली गई थी पाकिस्तान में। अच्छा, कोई आज तक कोई सबूत, कोई नाड़, कोई वापसी, कोई भी ऐसा कोई विकल्प हो तो हम बता दो। और आज के हमारे प्रधानमंत्री ये कैसे हैं जो हमारा घर में घुस के मारेंगे, जो हमारा फौजी एक जहाज को गिराने में था और वो पाकिस्तान से आज के टाइम वापस आए, हिम्मत आज प्रधानमंत्री जी की है और किसी की नहीं है और ना ही होने की आगे। 44 के बदलो 300 ले लो, 44 के बदले और आगे वैसे रहेगा। कहो दिल से निर्णय। भाई ये बताओ, जैसे युवा वर्ग हैं आप, तो एक सवाल उठा था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, पर वो 2 करोड़ नौकरियों का कहना है कि दिखाई नहीं थी, तो कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? सबसे पहले तो भारत माता की जय। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बीजेपी जो सरकार है, कांग्रेस ने इतनी बुरी तरह हमारे देश को भ्रष्ट किया हुआ था, इतना करप्शन था हमारे देश में, आप किसी भी फैमिली को ले लो उसे मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है। जो 45 साल का दुख हमारे देश को इस कांग्रेस सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं उसे मिटाने में, उसे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया है, अगर आप कंपेयर करें पिछली सरकार से तो बीजेपी ने उससे बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है, लेकिन समय लगेगा। जब आप 45 साल का हिसाब नहीं दे पाए, आप 5 साल का किस भी आप पे हिसाब मांग रहे हो। विजय माल्या, आप एक सवाल उठते हैं, विजय माल्या पैसे लेकर भागा, मैं कहता हूँ बिल्कुल उसने देश को बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो पैसे लेकर भागा, लेकिन उसको लोन देने में किसकी सरकार में उसे लोन दिया गया? नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया, नीरव मोदी किसकी सरकार में लोन उसने लिया था? इन लोगों ने एक नोटिस तक भी नीरव मोदी को नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया इन्होंने? अब ये 5 साल की सरकार से हिसाब मांगेगी, कोई बात नहीं, आप 5 साल और दीजिए, हमें ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना विकास किया है, कितने रोजगार दिए, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल से 5 साल तो दीजिए आप, और 5 साल बाद ये रोजगार की समस्या वो भी पूरी तरह खत्म कर दी जाए। कि चौकीदार चोर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, चौकीदार चोर है या नहीं, आपकी नजरों में क्या लगता है? देखो, एक सेकेंड, ये एक आवाज में अगर आप सबको लगता है चौकीदार चोर है तो चुप रहना, अगर आपको लगता है चौकीदार ने देश के लिए कुछ किया है तो एक आवाज में एक नारा अपने आप। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? मैं उसे हाँ। आ जाओ आगे। मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? मैं चौकीदार क्यों बोल रहे हैं? वे साले चोर हैं जो और उसे हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं चौकीदार। वे चौकीदार नहीं है, वे हमारे प्रधानमंत्री है और हम प्रधानमंत्री का वेलकम करना जानते हैं, लेकिन वे चोर जो है उसे चौकीदार बता रहे हैं। अपने बाप को तो चौकीदार बोलते नहीं, अपनी माँ को चौकीदार नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं चौकीदार? हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलिए, हम उनका वेलकम करते हैं। हाँ, वेलकम इंदिरा। एक दफा मायावती को किसी ने कुछ बोल दिया था, जरा सा हल्का सा उसने नुकात चमार थोड़ा सी कहा था डायलॉग, तो उस पर बात बड़ंग कर दिया था। एक बात और है, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बोलते हैं कि जड़ से ही मोदी को ख़त्म करना है, पप्पू जो भी है ये मोदी को ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। इनको पता है राहुल गांधी, ये जो वाड्रा है, इनके जीजा जी हैं, इनको जेल जाना ही जाना है, ये अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, ये अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को जेल में बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है ताकि इनकी सरकार आए और जो इनको जेल होगी ये किसी तरह उनको बचाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप 5 साल का और मौका दीजिए, ये वादा रहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों जेल जाएंगे और 100% जाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, हम सबको पता है कि जब इस सरकार से पिछली सरकार में बांग्लादेशी हमारे जवानों का सर काट कर ले गए, एक मीडिया पर न्यूज एक दिन आती है, अगले दिन उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। आज जब हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कारनामा कर रहे हैं हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, मोदी सरकार आराम आराम से आतंकवाद को ख़त्म कर रहा है, तो ये बौखला गए हैं पूरी तरह। और हम सबको एक आवाज़ में आप देख भी रहे हैं, अगर आप आम जनता से बात करो तो सबकी जवान पर मोदी मोदी हो। एक आम आदमी जो व्यापारी है, बड़ा बड़ा व्यापारी है,
वो पूरी तरह परेशान है क्योंकि अब वो ना तो रिश्वत चल रही है ना दो नंबर की कमाई खा पा रहे हैं। मोदी जी ने पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी थोड़ा गड़बड़ कर रही है। पुलिस को अगर हम लोग देखें वो थोड़ा पैसा ज़्यादा खा रही है, लेकिन आप विश्वास रखिए अगले 5 साल में इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और हम मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। आप ये बताइए, आज से पहले कि कोई भी सरकार आई है, किसी ने हमें कुछ दिया है? सबका यही रहा है कि अपना करो खाओ। अब ये जो 5 साल में क्या है मोदी सरकार ने कि घर मकान बनवा दिए, ठीक है, बिजली कनेक्शन एंड और ये भी हो गया आपका गैस सिलेंडर फ्लैश वगैरह बनवा दी। आज से पहले किसी ने कुछ दिया है? पर कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पे अभी नहीं आ पाई वो चीज़ें, उनका क्या कारण रहा? आप मुझे ये बताइए, एक आदमी है जो घर की अपनी व्यवस्था सही से चलती नहीं है, वो तो फिर भी पूरे देश को चला रहा है, वो इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा? टाइम लगता है हर चीज़ में। 5 साल में इतना कुछ कर दिया, तो उसे और कुछ टाइम दो ना, तो वो 5 साल का टाइम और चाहिए, तो ये बहुत साल। अच्छा, कितने साल तक आपको लगता है मोदी जी का राज रह सकता है? आपके अनुमान से क्या होना चाहिए? युवा ये मानता है, जिस हिसाब से मोदी ने इस साल मतलब अपने इन 5 सालों में क्या है, तो आई थिंक आगे भी मैं तो कह नहीं सकता और कोई मतलब पार्टी आएगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहे परमानेंट बीजेपी। अच्छा, क्योंकि कार्य जनता क्या चलती है, जनता देखती है अपना कार्य सरकार क्या कर रही है, और इससे जनता को बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि हर गरीब के जिस यार मुझे ये बताओ, जिस सरकार ने छत दे दी उसे और क्या चाहिए, उस जनता को और क्या चाहिए? अच्छा, तो यानी कि हुआ है विकास 100% हुआ है, विकास हुआ है जी, बहुत काफी विकास ही विकास हो रहा है जी, बिल्कुल बहुत। हर जनता, हर मनुष्य, हिंदुस्तान का हर जीव मोदी मोदी है, मोदी मोदी विकास ही रहेगा, हिंदुस्तान राम का। अच्छा जी, राम मंदिर कब तक बनेगा? आपने जब राम का नारा बहुत जल्द तो बहुत जल्द से जल्द राम मंदिर इलेक्शन के बाद तैयार होना शुरू चालू हो जाएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल जी, पक्का 100%। अच्छा 100% है जी, युवा साथ है, युवा साथ है जी, पक्का